दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स की, जो कि एक आज के युवाओं के लिए, या फिर बात करें कि जो बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द क्लाउड कॉन्सेप्ट्स एंड द बजिंग वर्ड्स विच जनरली पीपल हियर अबाउट इट, दैट AWS, गूगल, अजोर। तो ये काफ़ी सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और कंपेयर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में, जो अपना फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, कि सबसे पहले अपन को ये समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी ये जो क्लाउड और उसके बाद में कंप्यूटिंग, इनको दोनों को अलग अलग करके अपन देखेंगे और इस लेक्चर में समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है वो एक्चुअली है क्या। So the cloud computing is a general term used to describe a new class of network, so which is based on the computing that takes place over the internet. So actually we are about to elaborate this one. Jo communication ho raha hai wo sara ka sara over the internet ho raha hai, and there are transport layers. Actually we call it hardware, software and internet. So the transport layer provides the hardware and software, and the communication happens on the internet. So this combination of all these terms, hardware, software and internet, this is called a platform. These platforms hides the complexity and the detail of the underlying infrastructure from the users. So baat karte hain ki cloud के अंदर क्या चीज़ें हिडन होती हैं और क्या चीज़ें यूजर्स को दिखती हैं। तो इसमें जैसे बात करें कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू द यूजर्स डायरेक्टली, सो दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड विच इज नॉट विजिबल टू द एवरी यूजर। जो आप लोगों को नहीं दिखता है वो सब कुछ पीछे बैकएंड पे होता रहता है, बाकी जो आपको दिखता है वो एक्चुअल कम्युनिकेशन होता दिखता है और इंटरफेस दिखता है, सो दैट कि आप इजिली उससे ऑपरेट और कम्युनिकेट कर पाते हैं। यस, इन एडिशन टू दैट द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द ऑन डिमांड सर्विसेज दैट आर ऑलवेज ऑन एनीवेयर एनी टाइम एंड एनी प्लेस कॉन्सेप्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनीवेयर। सो मीन्स इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द प्लेस, किसी जगह पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके, आप इसको जहां चाहे मर्जी हो वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट होना है एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इफ इट इज अवेलेबल देन यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद योर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इंटरनेट एनीवेयर एंड इट वुड बी अवेलेबल एनी टाइम एट एनी प्लेस। सो 24/7 क्रॉस इट वुड बी अवेलेबल फॉर यू। Also, this is important that you will be paying for the usage. As per use, you will be going to pay. आपको उतना ही pay करना है जितना आप use कर दें। Again, very important concept that hardware and the software services are available to all. All means all the users, all the clients. So these services would be available to the all the users, but it would depend on the configurations what you are making on. So, जो आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे वो आपको अवेलेबल होगा, बट आपको कभी भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो रोकेगा नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि एक यूजर को ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, दूसरे यूजर को इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, जितना आप यूज करेंगे उतना आप पे करेंगे। अभी समझते हैं इसको एक इस डायग्राम से आसानी से कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क है, आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे पीसीज हैं, डिफरेंट पीसीज विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क, ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ए पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल, दीज आर अवेलेबल टू द सर्वर्स, मीन्स दीज ऑल द कंप्यूटिंग हार्डवेयर्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर्स, दे आर अवेलेबल एज ए सर्वर्स, सो this is hidden, this is not visible to the users. There is a storage
which is integrated with this network, and there would be some applications running on the top of that. So these applications and services which are running on top of that, it's out of that scope, this area. So this is the periphery of the cloud. So these all components are the components of the cloud infrastructure, and over and above that, that application and services are running. So this is going to be important, that shared pool of the configurable computing resources are available for the application and services. Sabhi application or services ke liye aapke paas computing infrastructure or resources hain jo ki available hone wale hain, jo ki aapke depend karenge ki aapke configuration pe aap demand kar rahe hain network access ki, ki aapko kis tarike se is in resources ko access karna hai. Also this is provisioned by the service providers, so the control is with service providers, who is going to provide you the servers, networks and the storage services. So they can provision for you that he can, you know, see, he or she can set the quota for you, that how many CPUs and RAM it will be configured by you and will be available for you. So this depends on the service provider provisioning. यस, अब बात करते हैं कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम करता है. तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं. कि सबसे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, जो कि हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करी, तो दीज आर द कंप्यूटर हार्डवेयर. सो हार्डवेयर डिवाइसेज इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एज ए सर्विस, सो दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. So, जो सर्विसेज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अवेलेबल हैं, जैसे आपके सर्वर्स हैं, हार्डवेयर है, सीपीयू है, रैम है, सो स्टोरेज डेटाबेस है, सो ये सारी जो चीजें हैं अगर आपको एज ए सर्विस अवेलेबल है एंड एज पर सर्विस यूसेज के हिसाब से आपसे कोस्ट ली जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये प्लेटफॉर्म कहलाएगा. सेकेंड वन इज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सो जहाँ पे आपको सम यू नो आपके हार्डवेयर के ऊपर अगर कुछ प्लेटफॉर्म भी आपको डाल के दे दिया जाए, जिसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं, और वो भी आपको सर्विस एज पर यूसेज के हिसाब से आपको अवेलेबल हो, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. एंड थर्ड वन इज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एप्लीकेशन भी होस्टेड होगा. सभी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सभी के कुछ फायदे कुछ नुकसान हैं, जिसकी चर्चा हम आगे स्लाइड्स में करेंगे. लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, सो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर वेयर मल्टीपल थिंग्स वुड बी डन बाय सर्विस प्रोवाइडर, बट इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड मेंटेनेंस फॉर द यूजर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू यूज, बट multiple users uses multiple architecture as per the requirement. So there are some characteristics, common characteristics of the cloud computing. As we said, the infrastructure is available at a scale, so massive scale is the common architecture or characteristics we can say that it would be available for the masses. Any public ke liye usage ho sakta hai. It's homogeneous, it's virtualized, available on low cost, it's resilient in terms of, you know, computing, geographical distribution, it's distributed geographically across the regions, it would be available, service oriented and advanced security. So these are the common, you know, characteristics of cloud computing. Kyunki jab bhi kisi bhi users ko agar infrastructure aapko available karani hai तो आपको इन करेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रख के करना पड़ेगा. कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी वर्चुअलाइज्ड, इट शुड बी अवेलेबल अक्रॉस द रीजन्स, इट शुड बी रेजिलिएंट टू द कंप्यूटिंग एंड इट शुड बी अवेलेबल एट ए लो कॉस्ट. सो ये सारी चीजें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की. दिस वुड बी वेरी एसेंशियल, यू नो, ऑन डिमांड सर्विसेज विच वी कैन से दैट द क्लाउड कंप्यूटिंग शुड बी अवेलेबल थ्रू द नेटवर्क. सो
a broad network access should be given to the infrastructure. There would be a resource pooling. So multiple resources should be available. And it can be pooled if users want to use the infrastructure as per the uses, and it should be available readily. Rapidly elasticity. So if अगर हम बात करें कि यूजर्स को ऑटोमेटिक स्केल अप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो यूजर डिमांड करेगा एंड इट शुड बी इलास्टिकली, इट शुड बी यू नो स्केल्ड इमीडिएटली. सो दिस इज यू नो वेरी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड ऑल द सर्विसेज यूसेज शुड बी मेजर्ड. सो बिकॉज जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बिल नहीं कर पाएगा अदरवाइज, अगर सर्विसेज का यूज मॉनिटर नहीं कर पा रहा है या यूसेज मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, तो ये जरूरी है. सो ये सारी चीजें हैं जो कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को एक एसेंशियल प्रोवाइड करनी होती हैं, सो दैट कि यूजर को एक इंटरेक्टिव और एक मैनेजेबल कंसोल के थ्रू ये सारी सर्विसेज मिल सकें. अब बात करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में. तो हम बात करते हैं कि जैसे हार्डवेयर हमें दिखता है, सो हार्डवेयर there is a layer on top of that is called hypervisor. So where we create a virtual machines, and that VM is actually a stack of application operating system, and the combination of application and operating system, application platform and operating system is called VM, which is hosted and interact with the hardware with the help of this virtualized environment that is called hypervisor. So there are multiple example of hypervisor you can see. काफी सारे hypervisor जो recently trend में चल रहे हैं. So maximum use case जो है वो Zen का होता है. VMware is very trending. So this is commonly used across the all the service providers. So ये hypervisor है. Depend करता है कि service provider जो कि कितने स्केल पे वर्चुअल मशीन्स एक हार्डवेयर लेयर पे बना सकता है. ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपकी सर्विसेज, आपकी जो वीएम्स हैं वो अवेलेबल होंगी आपके लिए, कितनी जल्दी उसकी बूटिंग होगी और कितनी जल्दी आपका एप्लीकेशन रेडीली सर्व होगा पब्लिक को. वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस, हाइपरवाइजर की परफॉर्मेंस पे. बिकॉज अगर जनरल टर्म में बात करें कि हाइपरवाइजर क्या है, वो क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है एंड एम्युलेट करता है इंस्ट्रक्शंस को वीएम से और अलाउज द मैनेजमेंट ऑफ VMs, यानी जो VM से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं इसको उसको एमुलेट करके, इंटरप्रेट करके, और वो हार्डवेयर से आपके टास्क को परफॉर्म कराता है, जिसकी वजह से हम जो कि होस्टिंग जो सर्विसेज है वो हार्डवेयर पे हम इमिडिएटली इसके ऊपर कर पाते हैं. अदरवाइज क्या होगा कि एक हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. अगर डायरेक्टली बात करें विदाउट VMware की, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन उस पर होस्ट होगा. तो केवल एक हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ही एप्लीकेशन हो सकता है. अगर ऑप्टिमम यूसेज के लिए करना है उसको और मल्टीपल एप्लीकेशन उस पर होस्ट करने, तो हमें हाइपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, विच इज वेरी कॉस्टली एंड दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी एसेंशियल यू नो इन टर्म्स ऑफ यू नो स्किल और अपस्किलिंग. यू कैन लर्न अबाउट दिस दीज टर्म्स. This is going to be a very complex thing which is happening behind the scene, जो आपको दिखता नहीं है. इसके बाद में बात करते हैं कि ये सब करने के पीछे benefits क्या हैं actually, हम why we are doing these all things. Cloud computing enables the companies or enterprises and applications which are system infrastructure and dependent to be infrastructure less. जो भी कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड थी पहले, उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेस करना है तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाना पड़ेगा. क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट क्रिएटेड बाई देम, देर आर सम अदर सर्विस पार्टनर्स, सो दे कैन फोकस ऑन दियर नो क्रिएटिंग सोल्यूशन एंड रेस्ट थिंग्स कैन बी गिवन टू द सर्विस प्रोवाइडर्स. सो if you eliminate this infrastructure, then maximum operational cost can be reduced or capital cost can be reduced. So infrastructure less agar
कंप्यूटिंग करनी है तो कंपनीज को क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पे एज यू यूज्ड एंड ऑन डिमांड. ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर कंपनी के लिए वो जितना यूज करे उतना ही उसको पे करना पड़े. इसके लिए उसको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेफरेंस के लिए उसको बोला जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करे वो, बिकॉज दे कैन सेव द मैक्सिमम कैपिटल ऑन दैट पार्ट. सो क्लाइंट्स कैन पुट दियर डेटा ऑन द प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ ऑन दियर ओन डेस्कटॉप और पीसीज और ऑन दियर ओन सर्वर्स. उन पे ना करके वो कहीं पे ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे डेटा वुड बी रेडीली अवेलेबल और इट वुड बी स्केल्ड अप व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. सो दे कैन पुट दियर एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड एंड यूज द सर्वर्स विद इन द क्लाउड डू प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन. तो ये सारी चीजें हैं कि क्लाउड पे कंप्यूट होके प्रोसेस होके और सर्व हो, इसके लिए क्लाइंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. अब दिस टर्म्स गोइंग टू वेरी यू नो इंफॉर्मेटिव फॉर यू टू सेट योर कैरियर पाथवे. क्योंकि अब ये सारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का खेल है, हम सारी चीजें क्यों करें, ये सारी चीजें कि क्या चीज है इसके अंदर कि हम करियर बना सकते हैं. तो सबसे पहली बात है कि इट यूजेस द हाई स्केल एंड लो कॉस्ट यू नो सर्विस प्रोवाइडर्स. सो सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड दिस ऑन हाई स्केल एंड लो कॉस्ट. सो एवरी टाइम यू थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इट शुड बी अवेलेबल ऑन हाई स्केल. सो आप इस पे काम करते हैं, इट शुड बी अवेलेबल एनी टाइम एनी प्लेस वाय द वेब ब्राउजर्स. इट वुड बी रैपिडली स्केलेबल एंड इंक्रीमेंटल विद लोड शेयरिंग. इट कैन फॉरगेट द नीड टू फोकस ऑन द लोकल आई टी. सो इट डू नॉट डिपेंड ऑन द लोकल आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान में रख के काम करना है तो ये सारी चीजें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं. लेकिन इसके और एंड अबाउ क्या कंसर्न्स आपको फेस करने पड़ेंगे. सबसे पहले इट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्डवेयर एंड द नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच यू आर यूजिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग. इट शुड बी रिलायबल, इट शुड नॉट यू नो स्टील योर डेटा और इट शुड बी सिक्योर्ड बिकॉज मैक्सिमम पीपल विल यू नो ओनली ट्रस्ट यू इफ यू आर रिलायबल एंड यू आर होस्टेड योर डेटा ऑन द रिलायबल प्लेटफॉर्म. Your SLA should be available on time and as per user's requirement. The control of data and the services parameters should be in hand of, you know, within hand of users. And application features and choices should be in hand of the clients. Interaction between cloud providers. So it should be transferable to any other cloud providers if it is required. No standard API should be there. So the infrastructure should be a mix of SOAP and REST. So that can be, you know, should be concerns in some time. The privacy, security and compliance is trust. So these are the factors where the maximum companies has fear when you know they start moving their data to the cloud. So if we are going to provide the confidence to these companies, then we have to work upon these all aspects of the cloud computing. Hame sabhi cheezon pe in pe kaam karna padega ki performance achhi ho, reliability ho, data privacy ke upar dhyan rakhna padega, security, compliance, trust build karke karna padega. So In every terms, there are a specific, I don't know, experts or we can say the engineers working so that, you know, it should be maintained properly and a trust can be built. Why we are using cloud computing? So as we said, it improves the performance. So agar hum baat karein ki agar डेटा को अपने खुद के क्लाउड पे, अपने खुद के सिस्टम पे, अपने सर्वर पे अगर अपन डालते हैं तो उनकी जो इनकी जो परफॉर्मेंस है विच कैन बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ हैविंग लॉट ऑफ यू नो डेटा एंड विद मिनिमम यू नो मेमोरी एंड सीपीयू. सो इफ वी होस्ट द सेम डेटा ऑन
on the you know cloud servers, then it would be fast. It would be fast because they have fewer programs and processes loaded into the memory. So the common processes and CPU would be allocated to restart and you know in booting to the servers. But multiple services are running on top of that, so it should be it would be definitely improved with the improved performance. It would be a reduced software cost. Instead of purchasing expensive softwares and individually, you should always be given a choice of purchasing the softwares, which would be at the affordable cost or it would be free. Lower computing cost would be there, so you do not need to need a high powered and high priced computers to run on the cloud computing. So web-based applications would be running easily because that is on shared mode. क्योंकि जो कॉस्ट है आपकी शेयरिंग मोड में लग रही है, एक बार किसी हार्डवेयर पे कॉस्ट लगा दी है तो मल्टीपल यूजर्स दे आर यूजिंग ऑन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर दे हैव होस्टेड देयर एप्लीकेशन, सो जो कॉस्ट है वो शेयर हो जाती है. इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अगर एक अपडेट एक सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ है सर्वर में तो आप जो सॉफ्टवेयर की अपडेट है वो इमिडिएटली टाइम टू टाइम होती रहती है, तो और सभी यूजर्स के लिए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म इट वुड बी immediately available to all the users. Improved document formats compatibility, so the there could be a different formats and you know formats of documents and you know syntax of the codes and everything, but it would be interoperable because once you share the reliable you know that opener of the document, any tools if you have hosted, then it would be available across the platform. So it would be that platform or the tool which would be available on the cloud would be available for all the users. So aapko document compatibility ka koi issue nahi aayega. Unlimited storage you can purchase. I think it would depend on your use case. Basically you can purchase unlimited storage if you are on cloud computing. So increased data reliability, as I said, the reliability of infrastructure and this, maintaining the security over the hardware and you know network layers, so that would be I think users would be more comfortable when they are you know using the common infrastructure, but which is very secured through network control protocol and some other security mechanisms, and lower computing cost. So these are the advantages of cloud computing as we have you know covered. But iske sath sath kuch disadvantages bhi cloud computing ke jinke bare mein apan charcha karenge, and main ye kahunga ki isme hum disadvantage ko dekhte hue hum isme apne career ke option bhi dekh sakte hain ki jahan pe disadvantage hai iska matlab wahan pe apan ko kaam karna hai, and jo engineers डिसएडवांटेज को देख के उस स्कोप को छोड़ देता है या उस पर काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो कंफर्ट जोन में है. लेकिन हमें उसके डिसएडवांटेज पे काम करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, एंड देर इज ए लॉट ऑफ स्कोप इन डूइंग वर्क इन दिस एरिया. सो इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट इंटरनेट कनेक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिंड्रेंस वी कैन से द चैलेंज इन टर्म्स ऑफ यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इट वुड बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कनेक्शंस. Connection should be available. Without internet, it not be possible to you know connect with the infrastructure even. It does not work well with the low speed internet even. ये कम speed पे भी काम नहीं करेगा. So we can think of reducing the burden on you know network layer. And if the internet speed is slow, then how we can make it possible to connect with your infrastructure and your application. So kaise hum usse possible kar sakte hain ki kaise low bandwidth ke sath mein hum usse connect kar paye apni infrastructure ke sath mein aur apne application ke sath mein, to ye ek challenge hai. Yahan pe ek feature might be limited because this is a situation bound to the changes, but today many web applications simply are not as full
फीचर्ड एज दियर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है या कंसोल है, तो हम वो सारे फीचर्स नहीं दे पाते हैं जो कि एक ब्राउज़ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की, विच यूजर्स कैन फेस। अब बात करते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा स्कोप बनता है फ्यूचर में, किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपना करियर बनाना चाहिए। तो अगर बात करें तो मैनी ऑफ द एक्टिविटीज लूजली ग्रुप्ड टुगेदर अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज दिस इज इवॉल्विंग फील्ड। अभी इस पर पूरा काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, देर आर मल्टीपल न्यू कमिंग फीचर्स नाउडेज एवरी सर्विस प्रोवाइडर ट्राइंग टू कम अप विद एंड यू नो वॉन्ट टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो देर हैज बीन मैनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन जहाँ पे यूजर्स को आज काम करना पड़ रहा है सर्विस प्रोवाइडर्स को। एंड सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग एक्टिविटी इज नॉट एन ए न्यू फिनोमेना, सो दिस इज ए फ्यूचर इन दिस यू नो एरिया। ग्रिड कंप्यूटिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट वेयर यू नो वी कैन इंटरकनेक्ट विद वन रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द अदर एंड द कंप्यूटिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन ए फॉर्मेट ऑफ ग्रिड। And if one grid or one you know area of server infrastructure fails, then immediately second region should come up with the available infrastructure, and it should take place to compute the processes which are going on. So that is that grid computing, edge computing. So these are the cutting edge you know terms or technologies where this cloud computing is very fast you know growing pace. So however, there are concerns that are the mainstreams and adoption of cloud computing which cause the many problems for the users because jab bhi hum kisi nayi technology ke sath mein adopt karte hain kisi technology ko to uske sath mein kuch challenges hote hain aur users usko accept nahi karta hai easily। तो ये चैलेंजेस इसके साथ में भी हैं और यूजर्स उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इन रिसेंट ट्रेंड्स विच वी कुड सी इन मेनी ऑफ द रिपोर्ट्स वेयर मेनी ऑफ द कंपनीज माइग्रेटेड फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल और यू नो दियर डेटाबेसिस टू द क्लाउड सेंटर्ड और यू नो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनी न्यू ओपन सोर्सेज सिस्टम्स अपीयरिंग दैट यू कैन इंस्टॉल्ड and run on your local clusters. So ये कुछ futures में जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं, जिसमें आप अपना future बना सकते हैं। Edge computing का मैं example दूँ कि there are multiple things you know happening on the ground in field of healthcare, in field of agriculture or in field of education on the local level. So that data can be collected at the edge location, and if it is necessary that you know data collected at edge location can be sent to the centralized server that can be processed and immediately result can be sent back to the edge location, and you know minor processes or you know in computing can be performed at the edge locations. That is very much required, and in abhi jis tarike se iska use case bada hai local computing ka, so edge computing is you know evolving term and which is coming out of the cloud computing concept. Yes.